बहुत परेशानी है, ना बाथरूम का ठिकाना है, ना जिधर जाते उधर फाइन लगता है, सब इधर जांच पड़ताल कर रहे हैं, आ रहे हैं पकड़ने के लिए। एक तो यंग लिंग्स बाथरूम रख लिया, वो उठाने के लिए दूसरे दिन आता है लोग। मैं राम रही मित्र मंडल नित्यानंदगढ़ से बोल रहा हूँ, घाट को प्रवेश। हमारे यहाँ एक ही शौचालय है, वहाँ पे मतलब बहुत दिक्कतें होती है, वो साफ़ सुथरा भी नहीं रहता है, और यहाँ पे अच्छा आबादी है, वो हिसाब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब अगर आप तक आवाज़ पहुँचे तो थोड़ा मदद मिल जाता तो अच्छा होता। इधर बाथरूम के लिए बहुत तकलीफ़ है, और सब पटरी में जाते हैं, जितना लोग को बोलते हैं तो झगड़ा करते हैं। आमच्या इकडे एकच बाथरूम आहे, आम्हाला एवढा पब्लिक मध्ये एवढे झोपडे आहे, पर बाथरूम एकच आहे, ते कसं जाणार? पटरी मध्ये जाणार तर लोक मारतात, आणि आम्हाला बाथरूम तर पाहिजे ना। इलेक्शन के टाइम पे नगर सेवक यहाँ पे आए थे, हमने उनसे बाथरूम की बात की थी, बाथरूम का बनाने के लिए बोले ठीक है हम आपके लिए बाथरूम यहाँ बना के दे रहे हैं। लेडीज लोग को तकलीफ होती थी बनाने के टाइम पे, इलेक्शन से पहले बनाए थे, आगे कोई अभी झांकता नहीं, यहाँ पे पत्थर उत्थर सब डाल दिए। ऐसी गवर्नमेंट के तरफ से जो घर घर का बाथरूम बनाने के लिए, संडास बनाने के लिए जो पैसे आने की प्लानिंग हुआ था कि सबके घर में बाथरूम बनेगी, यहाँ कोई भी झोपड़पट्टी में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसको पैसा मिला हो बाथरूम बनाने के लिए। हम लोग ने बहुत कुछ बोले, सब कुछ पेपर जमा किए, जो भी लोग बोले ये लिख के दो, वो लिख के दो, ये फॉर्म भरो किए, लेकिन ऐसा कोई ऐसा झोपड़पट्टी का लोग कहे कि हमको पैसा मिला हो, लोग बोले कि हमारा आया है लेकिन उनको घर के बाथरूम बनाने के लिए पैसा नहीं मिला।